बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैर वाफियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। क्या आप बॉलीवुड अदाकार संजय दत्त मुसलमान हो चुके हैं, क्या इस हवाले से कोई सबूत भी मौजूद है या नहीं? नाज़रीन, आपको बताता चलूँ कि बॉलीवुड अदाकार संजय दत्त ने ईद उल फितर 2021 ईद 2021 बाकायदा तौर पर केक काट कर मनाई, जिसकी उन्होंने खूबसूरत तस्वीर भी शेयर की। वो भी आपके साथ यकीनन आगे चलकर शेयर करूंगा। जबकि दूसरी तरफ आपको बताता चलूं कि आप बॉलीवुड अदाकारा डेजी शाह के ईद के पैगाम पर भारतीय सीख पाओगे, लेकिन डेजी शाह भी खामोश न रह सकी। उन्होंने भी दिया करारा जवाब, जिसकी तफसील आज शेयर करेंगे। मजीद आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश, अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो काइंडली मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ ये बेल आइकन भी प्रेस कर लें, ताकि ऐसी नेक्स्ट मजीद अपडेट आपके पास बरवकत पहुँचती रहें। जी नाज़रीन, आपको बताता चलूँ कि डेजी शाह ने ईद मुबारक का पैगाम कुछ इस तरह शेयर किया। सोशल मीडिया ऐप इंस्टाग्राम के जरिए उन्होंने अपनी एक तस्वीर के साथ ईद मुबारक का मैसेज लिखा, जिस पर एक भारतीय सार्फ ने कमेंट्स दिया कि आपको अपने मज़हब पर भी ध्यान देना चाहिए, यानी कि अपने मज़हब पर भी तवज्जो देनी चाहिए। जिसके जवाब में डेजी शाह ने लिखा कि मेरे वालदैन ने मुझे हर धर्म यानी कि हर मज़हब की इज्जत करना सिखाया है, शायद आप ही सीखना भूल गए होंगे अपने बचपन में। दूसरी तरफ आपको पता चलूँ कि संजय दत्त ने ईद उल फितर ईद 2021 दुबई अपने घर पर अपनी फैमिली के साथ मनाई। अपनी बीवी और बच्चों के साथ उन्होंने कुछ खूबसूरत तस्वीर भी शेयर की, वो भी आपके साथ स्क्रीन पर शेयर कर रहा हूँ। जबकि दूसरी तरफ ज़राए ये बताते हैं कि उन्होंने बाकायदा तौर पर ईद उल फितर का केक काटा। ईद उल फितर का केक काटने के साथ साथ उन्होंने सफ़ेद रंग का लिबास पहना हुआ था। बात हो रही है बॉलीवुड मारूफ अदाकार संजय दत्त की, और इसके हवाले से अक्सर लोगों की ये राय है, भारत पाकिस्तान समेत दुनिया भर में अक्सर लोगों की ये राय है कि बॉलीवुड अदाकार संजय दत्त मुसलमान हो चुके हैं, लेकिन इसके हवाले से उन्होंने ऑफिशियली कभी भी एतराफ़ नहीं किया। इसके हवाले से आप क्या कहते हैं, आप अपनी राय का इजहार कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर करें। अपना और अपने गिर्द और नवा का भरपूर ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।